हाथरस गैंगरेप को लेकर मिलक में बजरंग दल ने किया कैंडल मार्च। हाथरस गैंगरेप को लेकर देश और प्रदेश में लोगों में भारी आक्रोश है। आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। सवाल ये उठता है कि अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं रहा या हमारे कानून व्यवस्था में ही एक कोई झीन झोल है। पर सवाल ये उठता है कि हमारी सरकारें यहाँ आखिर कर क्या रही हैं? क्या इन्हें चुनाव में ही जनता का ध्यान आता है? सरकार बनने के बाद पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, या इसे विरोधी दलों की साजिश माने? मगर कुछ भी हो, भुगतना तो जनता को ही पड़ता है। आज 3 बत्ती चौराहे पर बजरंग दल ने कैंडल मार्च निकाल करके हाथरस की पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। इस मार्च में जिला संयोजक रवि शर्मा, मुकेश पटेल, गौरक्षा प्रमुख, नगराध्यक्ष प्रिंस गुप्ता, अमृत शर्मा, सर्वेश गंगवार, अपार पांडे, कमल शर्मा आदि मौजूद रहे। हिंदुस्तान न्यूज 24 मिलक से विकास वशिष्ठ की रिपोर्ट। जी सर्वेश जी, ये जो हाथरस में घटना हुई है उसमें 4 आरोपी हैं। हम उन 4 आरोपियों के फांसी देने की भी मांग करते हैं सरकार से। हालांकि सरकार ने SIT गठित करके 7 दिन में उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो मुकदमा चलाने की भी CM साहब की तरफ से आदेश हुए हैं। लेकिन हम फिर भी मांग करते हैं कि ये केवल हाथरस की घटना नहीं, उसके साथ साथ कई ऐसी जगह हैं। अभी जल्दी में बलरामपुर की घटना हुई है, उससे पहले एक लव जिहाद का मामला हुआ था बदायूं में। उसके अलावा बुलंदशहर की घटना है, मेरठ की घटना है, ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो जानबूझकर प्रशासन सरकार को बदनाम करने की नीयत से इस तरीके की घटनाओं पर ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं करता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रशासन की नकेल थोड़ी ठीक से कस के और इन लोगों पर त्वरित कार्रवाई करवाएं ताकि सरकार की छवि धूमिल न हो। सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? ये घटनाएं तो पहले से होती आ रही है, क्या होना चाहिए आपकी निगाह में? क्या होना चाहिए? हमारी निगाह के हिसाब से सरकार अपनी तरफ से केवल प्रशासन की नकेल कस दे। अभी हाथरस की घटना जो हुई है उसमें रात्रि हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से रात्रि समय में कभी भी दाह संस्कार नहीं होता है, लेकिन वहाँ के कप्तान साहब और जो भी अधिकारी रहे हों उन अधिकारियों में रात्रि में बिना परिवार की अनुमति, बिना परिवार को साथ लिए और रात्रि में उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। वो प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं पूर्व सरकार के अनुग्रह में रहते हुए इस सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ऐसे अधिकारियों के प्रति भी कठोरतम कार्रवाई करे जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं।